हे गाइस, मैं हूं संदीप, आप देख रहे हो इंजन स्टार। सो गाइस, आज मैं दो बाइक के अंदर डिफरेंट करके दिखाने जा रही है, R15 वर्जन 3 BS6, इसके साथ में यामाहा FZS वर्जन 3 BS6 का कंपेयर करके दिखाने जा रहा हूं, तो देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं R15 वर्जन 3 BS6 का। इसका जो डिज़ाइन है, जो स्टाइल है, जो लुकिंग है, बहुत ही नाइस स्टाइलिश डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। आउट लुकिंग पे आप इसको बैड लुकिंग नहीं बोल सकते हो। अगर FZ से इसकी आउट लुकिंग की कंपेयर किया जाए तो R15 का ही आपको बेटर लुकिंग देखने को मिलेगा। इसकी जो फ्रंट साइड की जो डिज़ाइन है, मानो एकदम नाइस स्टाइलिश लुकिंग, एकदम परफेक्ट लुकिंग देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी हेडलाइट की। हेडलाइट जो है वो दोनों तरफ, दोनों हेडलाइट है, दोनों ही LED है, कंपनी प्रोवाइड करता है ये हेडलाइट। तो इसका जो स्टाइल है, काफ़ी अच्छा स्टाइलिश डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। इसकी हेडलाइट की डिज़ाइन ने इसकी फ्रंट साइड की लुकिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब चले जाते हैं हम सामने की सस्पेंशन की ओर। सामने की जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन है, जो कि आपकी बाइक की राइडिंग को बहुत ही स्मूथनेस बनाता है। अगर ये बाइक आप खरीदने की सोच रहे हो तो इसकी कीमत ऑन रोड पे करीबन 1,70,000 के आसपास पे होगा। अब बात करते हैं सामने की ब्रेक की। यहाँ पे डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करता है कंपनी, और इसकी जो साइज है वो 282 mm है। दोस्तों, इन सभी पार्ट की मैं FZS के साथ कंपेयर करके देखूंगा। ये एक रेसिंग स्टाइल का बाइक है। अगर सामने की टायर की बात की जाए तो 180/17mm का ट्यूबलेस टायर, 52P का ट्यूबलेस टायर हमें देखने को मिलता है सामने की टायर। अब हम चले जाते हैं FZ की ओर, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या डिफरेंट हमें देखने को मिलता है ये सब पार्ट पे। सबसे पहले मैं आउट लुकिंग की बात करता हूँ। यहाँ पे नाइस लुकिंग आपको देखने को मिलता है, काफ़ी स्टाइलिश बाइक है ये। ये नेकेड बाइक है। अगर डिज़ाइन की कंपेयर किया जाए तो डिज़ाइन पे R15 ऑब्वियसली बेटर है। अगर ये बाइक आप खरीदने की सोच रहे हो तो इसकी कीमत ऑन रोड पे करीबन 1,20,000 या 30,000 के आसपास पे होगा। यानी कि स्टाइल और कीमत पे R15 इससे बहुत ही आगे है। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट डिज़ाइन की। यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें देखने को तो नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ एक डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, चाबी ऑन करने की जगह देखने को मिलता है, और हैंडल कैपेसिटी की डिज़ाइन की बात की जाए तो R15 इससे बहुत ही आगे है। गाइस, ये नेकेड बाइक है लेकिन डिज़ाइन पे काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी हेडलाइट की। हेडलाइट की जो डिज़ाइन है, काफ़ी नाइस डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ये नेकेड बाइक है। अगर R15 से कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली R15 का ही बेटर है। लेकिन गाइस, यहाँ पे भी आपको LED हेडलाइट देखने को मिलता है, यानी कि R15 और इसके अंदर हेडलाइट पे सिर्फ डिज़ाइन का चेंजेस है। अब बात करते हैं सामने की सस्पेंशन की। यहाँ पे भी आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलता है, यानी कि सामने की सस्पेंशन पे दोनों बाइक के अंदर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। सामने की जो ब्रेकिंग है वो कंपनी प्रोवाइड करता है। डिस्क ब्रेक, R15 का भी डिस्क ब्रेक, यहाँ पे भी आपको 282 mm का ही डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। यानी कि डिस्क ब्रेक के साइज पे कोई चेंजेस नहीं है दोनों बाइक के अंदर। अब बात करते हैं इसके सामने के टायर की साइज की। यहाँ पे भी आपको 180/17 का ही साइज देखने को मिलता है। यानी कि R15 और इसके सामने के टायर की साइज पे कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस, इन चारों पार्ट के अंदर से हेडलाइट के डिजाइन पे चेंजेस देखने को मिलता है। FZ एक नेकेड बाइक है, बाकी और कहीं पे भी चेंजेस नहीं है। चले जाते हैं हम R15 की ओर। यहाँ पे आपको 11 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी की टैंक देखने को मिलता है। और गाइज, इसकी फ्यूल टैंक के साथ इसकी जो सीट की डिज़ाइन है वो काफ़ी नाइस डिज़ाइन आपको, स्टाइलिश डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। इसकी जो व्हील बेस है वो है 1,325 mm। इसमें एक बात बोल सकता हूँ मैं कि R15 एक रेसिंग बाइक है। अब बात करते हैं इसकी गियर कैपेसिटी की। यहाँ पे आपको 6-स्टेप गियर देखने को मिलता है, जो कि आपकी बाइक की परफॉर्म के लिए बहुत ही बेटर है। अब चले जाते हैं हम इसकी इंजन की ओर। यहाँ पे लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOHC 4-वाल्व 155cc का इंजन देखने को मिलता है। इसकी मैक्स पावर 18.6 PS 10,000 RPM, मैक्सिमम टॉर्क इसकी 14.1 Nm 8,500 RPM। गाइस, ये एक रेसिंग बाइक है तो इसकी इंजन की कैपेसिटी भी बहुत ही हाई है। FZS भी एक रेसिंग बाइक ही है, लेकिन उसकी टॉप स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है जितना R15 का है। तो देख लेते हैं FZS के अंदर इन सब पार्ट पे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है। यह इसका ऑयल टैंक, 13 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी हमें देखने को मिलता है इस ऑयल टैंक पे। यानी कि ऑयल टैंक की कैपेसिटी FZ पे ज़्यादा है। इसकी ऑयल टैंक के साथ इसकी सीट की जो डिज़ाइन है वो एकदम परफेक्ट मैचिंग करता है। गाइस, अगर सीट की डिज़ाइन की बात की जाए तो R15 का ही सीट की डिज़ाइन ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो गियर कैपेसिटी है वो 5 गियर देखने को मिलता है, लेकिन R15 का जो था वो 6 गियर का था। यहाँ पे एक चेंजेस देखने को मिलता है, R15 का ज़्यादा गियर कैपेसिटी देखने को मिलता है, वहाँ पे 6 गियर देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं इसके इंजन की। एयर कूल फोर स्ट्रोक SOHC 2 वाल्व 149cc का इंजन है, लेकिन गाइस R15 का 155cc का इंजन था। इसकी मैक्स पावर 12.4 PS 7250 RPM, इसकी मैक्स टॉर्क 13.6 Nm 5500 RPM। सिंगल सिलेंडर का इंजन है ये। गाइस यहाँ पे देखो R15 का ज़्यादा पावरफुल इंजन है। गाइस अब बात करते हैं R15 के पीछे की टायर की साइज की। यहाँ पे 140/70/17 का साइज हमें देखने को मिलता है पीछे की टायर की साइज। और पीछे की सस्पेंशन जो है वो मोनोक्रॉस लिंक सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है, जो कि आपकी बाइक की राइडिंग के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। गाइस इन सब पार्टों के भी हम दोनों बाइक के अंदर कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा बेटर है। चलिए देख लेते हैं कि इसकी बैकलाइट की जो डिज़ाइन है, आपको काफ़ी नाइस स्टाइलिश डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। गाइस ये जो बैकलाइट है ये LED है, बल्ब नहीं है, कंपनी प्रोवाइड करता है LED लाइट। इसकी स्पीड मीटर, ऑडोमीटर, कंसोल वो सब डिजिटल है। इस बाइक पे आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। ये बाइक सिर्फ सेल्फ पे ही स्टार्ट होता है, किक अवेलेबल नहीं है इस बाइक पे। आप देखते हैं इसकी एग्जॉस्ट की जो डिज़ाइन है, जो स्टाइल है, काफ़ी अच्छा स्टाइलिश लुकिंग एग्जॉस्ट देखने को मिलता है यहाँ पे आपको। सो गाइस हम चले जाते हैं FZ की ओर, वहाँ पे देखते हैं कि इन सब पार्टों के अंदर क्या क्या हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। गाइस ये है FZ। सबसे पहले हम देखेंगे इसके पीछे की सस्पेंशन। यहाँ पे 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है। R15 का लिंक सस्पेंशन था, यहाँ पे 7-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है, यानी कि गाइस पीछे की सस्पेंशन पे हमें दोनों बाइक के अंदर डिफरेंट देखने को मिला। चलिए अब बात करते हैं पीछे की टायर की साइज की। यहाँ पे 140/60/17 का ट्यूबलेस टायर हमें देखने को मिलता है, लेकिन R15 का 140/70/17 का साइज था। सो गाइस पीछे की टायर की साइज पे हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी पीछे की ब्रेकिंग की। यहाँ पे 220mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। R15 का जो था वो भी 220mm का ही था, यानी कि पीछे की ब्रेकिंग पे हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, लेकिन R15 का डुअल चैनल ABS था, यानी कि ABS पे हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला। इसकी भी स्पीड मीटर, ऑटोमीटर, कंसोल मीटर वो सब डिजिटल ही है। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की। काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग देखने को मिलता है इसकी एग्जॉस्ट की, जो कि R15 का भी बहुत ही नाइस डिज़ाइन था। इसकी जो कार्बोइड है वो 137 kg है, लेकिन R15 का 142 kg था। अब बात करते हैं इसकी बैकलाइट की। काफ़ी नाइस डिज़ाइन देखने को मिलता है इसकी बैकलाइट की। ये बल्ब है, LED नहीं है, कंपनी प्रोवाइड करता है बल्ब, लेकिन R15 का LED था। और अगर बैकलाइट की डिज़ाइन की बात की जाए तो इससे भी स्टाइलिश डिज़ाइन है R15 का। सो गाइस मैंने इन दोनों बाइक के अंदर कंपेयर करके दिखाया कि क्या क्या डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। हमें R15 का ही सब कुछ बेटर लगा। ऑब्वियसली जिसकी कीमत ज़्यादा वो तो बेटर होगा ही होगा। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।